फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी स्टडी करेंगे हमारे सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट 5। बच्चों, डेट है 9 जुलाई 2021। ओके बच्चों, यहाँ मैं सब्जेक्ट मैथ्स की बात कर रही हूँ। क्लास है हमारी 7th एंड 8th। बच्चों, जो वर्कशीट जो है हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के थ्रू हमें दी गई है, तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए। आई लिव इन जॉइंट फैमिली। देखिए बच्चों, एक लड़का है या लड़की है, वो अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में बता रही है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। बच्चों, वो जॉइंट फैमिली में रहती है। जॉइंट फैमिली में बच्चों, आप सभी को पता है कौन कौन होता है? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी, कजिन्स, मदर, फादर, यू, योर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ओके, When I turned 11, जब मैं 11 साल की हुई, I celebrated my birthday with 9 members of my household। जब बच्चों मैं 11 साल की हुई, तो मैंने मेरा बर्थडे बनाया, ठीक है, मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ। फैमिली में कितने मेम्बर्स थे? 9। ओके, 7 ऑफ माई फ्रेंड्स कंग्रेचुलेटेड मी ऑन द फोन, और 7 फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे को फ़ोन पे विश किया। एंड द मोस्ट जॉयफुल थिंग इज़ दैट माई 5 कज़न गेव मी अ प्लांट एज अ गिफ्ट। और बच्चों, सबसे जॉयफुल जो चीज़ थी वो क्या थी कि मेरे 5 कज़न ने मुझे एक प्लांट गिफ्ट में दिया। ऑन द ओकेजन ऑफ माई बर्थडे, मेरे बर्थडे के ओकेजन पे आई टुक अ वो टू गिव अप माई 3 बैड हैबिट्स। और बच्चों, मैंने मेरे बर्थडे पे एक प्रॉमिस ली खुद से कि मैं अपनी 3 बैड हैबिट्स को छोड़ूंगी। कौन कौन सी है बच्चों वो हैबिट्स? गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, सुबह देरी से उठना, कीपिंग माई थिंग्स इन डिसऑर्डर एंड नॉट टेकिंग केयर ऑफ क्लीननेस, और सफाई का ध्यान नहीं रखना। ठीक है बच्चों, तो इसी से रिलेटेड हमें यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज़ बच्चों ध्यान से देखिए आप। लुक केयरफुली एट द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन, डू यू सी अ पैटर्न। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप सभी को नंबर्स दिए गए हैं, नंबर 11, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 5 एंड नंबर 3। ठीक है, ये सभी नंबर्स आप सभी को यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ पूछा है कि डू यू सी अ पैटर्न, आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ पे? तो बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा। तो यहाँ हमारा नंबर है 3, 5, 7, 9 एंड 11। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर दीज नंबर, ये नंबर्स कौन से हैं? तो ये बच्चों ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, ये हमारे सभी ऑड नंबर्स हैं। आया सभी को समझ में अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, राइट योर डेट ऑफ बर्थ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23rd July 2008। ओके, हाउ वुड यू फील इफ़ यू टू वर गिवन अ प्लांट ऑन योर बर्थडे। बच्चों, अगर आपको भी आपके बर्थडे पे प्लांट दिया जाएगा तो आपको कैसा फील होगा, एंड व्हाट विल यू डू विद दैट प्लांट, और आप उस प्लांट के साथ क्या करेंगे? तो बच्चों, आप सभी यहाँ पे बताइए। सबसे पहले तो बच्चों देखो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे प्लांट दिया गया है मेरे बर्थडे पे, मैं उसकी बहुत अच्छे से केयर करूँगी, उसमें डेली उसमें पानी डालूँगी, वाटर डालूँगी और मैन्योर उसमें डालूँगी, टाइम टू टाइम उसका ध्यान रखूँगी। तो यहाँ पे लिखूँगी मैं मेरा आंसर, आई वुड लव इट इफ आई वॉज गिफ्टेड अ प्लांट ऑन माई बर्थडे, आई विल टेक केयर ऑफ इट एंड विल ऑल्सो give water and manure time to time। ओके स्टूडेंट्स, आया सभी को अच्छे से यहाँ पे समझ में? तो बच्चों, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व करें। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप सभी इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा।
और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों जल्दी से जा कर के रेड बेल आइकन दबा करके मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।